आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता। सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। प्राइम टीवी की टीम इस समय सलवन विधानसभा में जनता का मूड जानने के लिए अपने अगले पड़ाव पर पहुंच चुकी है। आपको फिर बता दें कि ये रायबरेली जनपद में जरूर है, लेकिन यहाँ की सांसद माननीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, आइए जानते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनकी क्या राय। सर, क्या परिचय है आपका? जी, वीरेन कुमार, एडवोकेट सलवन तहसील। वकील साहब, चुनाव आ चुके हैं, सभी राजनीतिक दल मैदान में हैं, तो सलवन विधानसभा आपकी बार क्या गुल खिलाएगी? जिस हिसाब से इस सरकार की रवैया रही, काफ़ी किसान, युवा और हर वर्ग के तबके के लोग काफ़ी परेशान हैं, इसलिए आपकी सपा सरकार बनना चाहिए। अखिलेश यादव के साथ हैं आप लोग? जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि लाल टोपी खतरे की घंटी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो भाजपा के लिए ही लाल टोपी खतरे है। नहीं, भाजपा तो लाल टोपी नहीं लगाती है। लगाती नहीं, लेकिन रेड अलर्ट उनके लिए है, समाजवादियों से। समाजवादियों से रेड अलर्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता और है, ये जानते हैं उनका क्या कहना। सर, क्या परिचय है आपका? रामदेव यादव, अधिवक्ता सलोन सदर तहसील सलोन। सर, चुनाव आ चुके हैं, तो 2022 में सलवन विधानसभा क्या रंग दिखाएगी? यहाँ से तो सपा का फाइनल हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना हो, चाहे मुफ्त राशन योजना हो, चाहे किसानों की सम्मान निधि हो जी। तो योगी बाबा में क्या कमी रह गई? अरे, यही तो कमियां रह गई। प्रशासन बिल्कुल, पाँच साल प्रशासन बिल्कुल चुस्त दुरुस्त नहीं। गड्ढा मुक्त सड़कें हो, चाहे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, धरातल पे कुछ भी सर दिखाई नहीं पड़ रहा है। धरातल पर जो ना जाने के बाद दिखाई पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब सच तो यही है कि जो है धरातल पर नहीं है। आज भी जो है जाके देख लीजिए, हमारे चौराहे में गड्ढा बना हुआ है, मानिकपुर रोड में गड्ढा बना हुआ है, सलोन तहसील में गड्ढा बना हुआ है। आपके सांसद भी तो भारतीय जनता पार्टी सांसद महोदय अभी तो भी उधर से आती हैं, जाती हैं, गुजर जाती हैं, उसके बाद मतलब जो लीपा पोती कर दी जाती है रोडों की, उसके बाद में कुछ भी नहीं, मिट्टी डाल दी जाती है, तारकुल का कहीं पता नहीं है गड्ढा। वर्तमान में जाके देख लीजिए मानिकपुर रोड में कितना बड़ा गड्ढा है। और जब यहाँ पे जो है कोई हत्या हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, जो ना 302 बन जाएगा, तब जो है ना प्रशासन जगने का नाम लेता है। प्रशासन भी तो वहीं से निकल रहा है। नहीं तो क्या माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं योगी जी, तो क्या कुछ नहीं है? माफिया कहाँ, यहाँ माफिया कहाँ है? मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, जो भी बड़े माफिया, सिर्फ पेपरों में है ना, सारे चीज पेपरों में अवेलेबल है। धरातल पर कोई चीज उतरने नहीं, उतरने के बाद देखें मुख्यमंत्री जी उतरने के बाद देखें ना धरातल पर क्या सही है क्या गलत है। रांग राइट की लड़ाई लड़े। संविधान अटेट में जो बच्चे बैठे थे, कितने बच्चे बैठे थे जिनका जीरो टॉलरेंस हो गया, उसके बाद में कहा गया कि बुलडोजर से गिरवा दिया जाएगा घर। और बताइए, गवर्नमेंट जाने की पोजीशन है, हर जगह शिलान्यास कर रहे हैं, शिलान्यास होने के बाद कुछ होगा? कहीं ना कहीं सरकार के कार्यों को लेकर नाराजगी। हमारे साथ एक और साथी है। सर, क्या परिचय आपका? हमारा नाम राजेंद्र चतुर्वेदी है। सर, चुनाव आ चुके हैं, तो 2022 में किसकी सरकार बन रही है? उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जिस तरह से योगी जी ने, मोदी जी ने काम किया है, निश्चित रूप से इस तरह से कोई भी सरकारें आज तक काम नहीं किया। यहाँ पर सांसद अमेठी से स्मृति जी हैं, शिक्षा के स्तर पर, बिजली के स्तर पर, सड़क के स्तर पर, सारे क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके यहाँ पर कार हुआ है, पॉलिटेक्निक इन्होंने दिया यहाँ पर। अखिलेश यादव कह रहे हैं जो खोदे खाई वही है भाजपा ही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो उनकी सोच हो सकती है, लेकिन जो यहाँ जनमानस जो है पूरी तरह से यहाँ सुरक्षित है। हमारे यहाँ यहीं सलोन के आसपास के बच्चे आते थे पढ़ने, हैं डिग्री कॉलेज में, समाजवादी पार्टी के सरकार में बच्चियों के साथ बच्चियों को का पलायन किया गया, बच्चों को अपने घर में शिक्षा दी जाती थी, केवल एग्ज़ाम के टाइम पर यहाँ बच्चे आते थे पढ़ने।
नहीं उनके साथ जो हरकतें होती थी सारा समाज जानता है। सर ये तो कह रहे हैं पूरा सम बच्चियों के साथ हरकतें होती थी। अरे तो भाजपा में कहां नहीं हुई, भाजपा में कहां नहीं हुई। आप देखिए दिल्ली से लेके गोधरा कांड से लेके और सलवन विधानसभा की बात करें, सलवन विधानसभा यहाँ पे रायबरेली या सलोन जनपद में हमारे यहाँ ऐसी सीट है, यहाँ राजनीति ज्यादा नहीं होती है और चुनाव होना चाहिए विकास पे, शिक्षा पे, समझ रहे हैं। कैंडिडेट तो चारों पार्टियों के आएंगे। नहीं नहीं देखिए ऐसा है कि मोदी जी का चेहरा दिखा के चुनाव नहीं होगा, चुनाव विकास पे, शिक्षा पे होना चाहिए, रोजगार पे होना तो चाहिए। क्या सलोन में विकास नहीं हुआ? कहाँ हुआ बताइए, कहाँ विकास हुआ? ये तो गड्ढा, एक भी काम बता दिया जाए सलोन में जो हुआ है, एक भी काम बता दिया जाए जो सलोन में हुआ है। सलोन में कोई काम नहीं हुआ, माफियों की जमीन ले ली गई, दिमागों में गड्ढा है तो सब बुरा दिखाई पड़ रहा है। अच्छा गड्ढा सड़क में नहीं, दिमागों में गड्ढा है। भाजपा तो आएगी ही आएगी, भाजपा ही आएगी, क्योंकि जो है गुंडों का जो है सफाया हो रहा है, माफिया की जमीन ले ली जा रही है तो लोगों को खल रहा है, तकलीफ हो रही। हमारे साथ एक साथी और आए, जानते हैं क्या? सर क्या नाम है आपका? जय सिंह, रतनपुर। तो सिंह साहब चुनाव आ चुके हैं, प्रियंका गांधी कह रही है कि महिलाओं को 40% आरक्षण देंगे, तो इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? नहीं सरकार बीजेपी की आएगी, सरकार बीजेपी की आएगी। यहाँ तो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, गड्ढा मुक्त सड़क। नहीं नहीं यहाँ जो है बहुत बड़ा फायदा हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ सब ऐसे लोग हावी थे कि जो निकलता था वो जूता खाता था, और आज की डेट में सब अपने अपने घर में घुस गए हैं। तो कहीं ना कहीं अपराधी और माफिया जो है गायब हो चुके हैं, ये गायब हो चुके हैं। हमारे सपा सरकार में जो है ना, यहाँ किसी की चलती नहीं थी, उन्हीं की चलती थी जो सपाई थे, और जो सपा में थे वो भी जूता लात खाते थे, चलती उनकी थी जिसकी नहीं चलनी चाहिए। हिंदुस्तान है, यहाँ बीजेपी सरकार आएगी, इसकी बीजेपी सरकार आएगी। एक साथी और है, जानते हैं सर क्या परिचय आपका? हमारा नाम है सर पीसी भाई मोहरा, अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान मजदूर संघ। तो सरकार किसकी आएगी? सरकार जनता निर्धारित करेगी किसकी आएगी, हम तो निर्धारित नहीं कर सकते हैं। लेकिन भाई उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री वो डिसाइड चुनाव होने के बाद होगा, लेकिन हमारी अखिल भारतीय किसान मजदूर संघ वर्तमान सरकार के खिलाफ है। हमारे जितने भी सदस्य हैं पूरे देश के अंदर, आपके कानून में तो सरकार ने वापस ले लिया, आप कहे की नाराज कानून का के लिए रिचार्ज देखिए, कड़वा तेल देखिए, लोगों से संबंधित जो हमारे किसान मजदूर छात्रों से संबंधित महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा कुछ नहीं, महंगाई मुद्दा सब सही हो जाएगा, समझो जी कुछ नहीं है महंगाई मुद्दा। और साथी सर क्या परिचय आपका? सुनील तिवारी। तिवारी जी चुनाव है तो 2022 में सरकार किसकी बन रही है? योगी जी की बनेगी। सब तो कह रहे हैं ना गड्ढा मुक्त सड़कें हुई हैं, गड्ढे मुक्त हो गए हैं, एक भी गड्ढे नहीं है जी। योगी जी की सरकार बनेगी, योगी जी की सरकार बनेगी। और साथी हमारे हैं, आइए जानते हैं इनकी क्या राय। सर क्या परिचय आपका? जी मैं उमा शंकर छतो ब्लॉक से हूँ। उमा शंकर जी चुनाव आ चुके हैं तो सलवन विधानसभा आपकी बार क्या रंग दिखाएगी? सलवन में सरकार जी बीजेपी की ही बनेगी, बीजेपी का ही विधायक होगा जी। ये तो कह सरकार ने इतने जो वादे किए थे उन पर खड़े उतरे हैं, जो नहीं हुए हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। 15 लाख मुझे नहीं मिले, लेकिन जिनने सोचा उनको 15 लाख मिलेंगे भी नहीं, इसलिए हमको हराम करना चाहिए, ईमानदारी का चाहिए जी। ये तो कह रहे हैं बड़ी महंगाई है। महंगाई सर जी, अगर उतनी महंगाई है तो महंगाई के एवरेज में हमको कुछ मिल भी तो रहा है। क्या मिल रहा है? बिजली का बिल हमें ज़्यादा दे रहे हो तो बिजली हमको सरकार दे रही, जितना हमको सपा में नहीं मिली है या कांग्रेस में नहीं मिली है। अगर हमने ज़्यादा उपयोग किया है तो उसका एवरेज उसके पैसे हमको देने ही पड़ेंगे। हम 18 घंटे बिजली पा रहे हैं पूरी तरह से। एक समस्या है आवारा पशुओं की है। पशु के लिए सर जी चारागाह बन गए हैं, अब हमारी मजबूरी है कि हम उसमें ना डालें, ये तो हमारी कमी है ना। विधानसभा के लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया आई है, कहीं महंगाई पर सरकार को घेरा गया है, वहीं अपराध नियंत्रण पर सरकार को सराहा भी गया है। अब प्राइम टीवी की टीम सलवन विधानसभा के अपने अगले पड़ाव पर जा रही है, कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम टीवी रायबरेली। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है, प्राइम टीवी की टीम अब सलवन विधानसभा के अगले पड़ाव पर मौजूद है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, आइए जानते हैं उनकी क्या राय। सर क्या परिचय है आपका? अंजनी कुमार साहू, मैं यहीं सलोन का रहने वाला हूं। सर चुनाव आ चुके हैं, सभी राजनीतिक दल लोक लुभावने वादों के साथ मैदान में हैं, तो 2022 में सरकार कौन बना रहा है? 2022 में हमारी सरकार निश्चित रूप से बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। सरकार कौन बना रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी फिर मुख्यमंत्री होंगे,
इसमें कोई संदेह नहीं। विपक्ष तो बहुत आरोप लगा रहा, महंगाई है, आवारा जानवर है, किसानों की समस्याएं हैं। आवारा जानवरों की भी चिंता सरकार कर रही है और महंगाई तो मैं तो नहीं मानता हूं कि महंगाई नहीं, महंगाई है। अखिलेश यादव तो कह रहे थे जो खोदे खाई वही है असली भाजपा। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल आधारहीन बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी समाज के गरीब और निचले वर्ग के लोगों के लिए किया है वो सब सामने है। चाहे उज्ज्वला योजना के अनुसार उनको गैस सिलेंडर दिए गए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको पक्की छत दी गई है गरीब जनता को, और गरीब किसानों को भी 2000 की सहायता हर चौथे महीने मिल रही है साल में 3 बार। इस तरह से तमाम हमारे काम हैं जो जनता के जीवन स्तर को ऊँचे उठाने वाले हैं। विद्यालयों का हमने उच्चीकृत किया है, इसके अलावा पार्टी ने बहुत से काम किए हैं जो गरीब जनता के लिए उनके जीवन स्तर को ऊपर लाने। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि महिलाओं को 40% आरक्षण देंगे और जो है लड़कियों को एक एक मुफ्त स्कूटी देंगे, तो ये चुनाव में कहां तक असर डालेगा? देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है तो देश में 65 साल से के लगभग कांग्रेस ने काम किया है, उनकी सत्ता रही है, गरीबों को क्या दिया उन्होंने अलावा भूखमरी के, और अगर कोई गरीब बीमार हो गया तो इसको इलाज नहीं मिल सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आयुष्मान कार्ड दिया है जिसके तहत वो 5 लाख तक का फ्री इलाज करा सकता था। पहले ये होता था कि अगर कोई गरीब बीमार हो गया, गंभीर बीमार हो गया, तो उसकी खेती बाड़ी बिक जाती थी, और हमारे योगी जी ने सत्ता बनते ही 2017 में ही गरीबों का कर्ज माफ़ किया। इस तरह से तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिनसे गरीबों का जीवन स्तर ऊपर आया है। कांग्रेस की बातें बिल्कुल खोखली हैं, ना कांग्रेस को सत्ता में आना है, वो हो सकता है कि 7 के 17 हो जाएं। क्या परिचय है आपका? मैं गौरव रस्तोगी। सर, चुनाव आ चुके हैं, सभी राजनीतिक दल लोक लुभावने वादों के साथ मैदान में हैं, तो सलवन विधानसभा आपकी बार क्या रंग दिखाएगी? सलोन विधानसभा मोदी जी और योगी जी की सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो सभी जनता द्वारा पसंद किए जा रहे हैं। खासकर यूपी में जो भी वादे भाजपा सरकार ने, योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जो भी वादे किए थे सभी वादे पूरे किए। जैसे धारा 370 है, 35 है, राम मंदिर है, और ऐसे तमाम जो मुद्दे चले आ रहे थे विगत कई वर्षों से उसको भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्ण करने का कार्य किया गया। और विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, विपक्ष आज किसी भी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी से बात करने के स्थिति में नहीं है। अच्छा, बुआ जी का क्या होगा? बुआ जी, देखें होता क्या है, आज बुआ जी को सभी उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके विधायक रहे हैं, वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि सभी जान रहे हैं, सभी ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जमा रहे हैं, जो भी, क्योंकि जो निचला तबका जो बहन जी को वोट करता था वो सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुका है। कहीं ना कहीं एक मैसेज कर दिया गया है, गोरखपुर के एक बाहुबली हरिशंकर तिवारी अपने पूरे परिवार के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिसको कहाँ तक देख रहे हैं आप? देखिए, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, हमारे महाराज जी योगी जी जो गोरखपुर से सांसद भी रहे और वहाँ के मठ के मठाधीश भी और इस समय मुख्यमंत्री भी, उन्होंने गोरखपुर में इतना विकास करा दिया कि दूसरी पार्टियों के पास कोई वहाँ पे मुद्दा ही नहीं बचा है। आप देखिए, गोरखपुर में उन्होंने खाद का कारखाना हो, चाहे वहाँ पे जितने भी दार्शनिक स्थल थे सभी को उन्होंने डेवलप किया और पूरे गोरखपुर को चारों तरफ से आपने पूरे एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया है, और वहाँ पे कोई मुद्दा ही नहीं। और हरिशंकर तिवारी वगैरह देखिए, वो सब अपनी खोई हुई जमीन वहाँ पे तलाश रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी में उन लोगों ने शामिल हुए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी में कोई फ़र्क नहीं पड़ना। सलवन विधानसभा की जनता कहीं ना कहीं मिली जुली प्रतिक्रिया दे रही। हमारे साथ एक साथी और हैं, आइए जानते हैं इनका। सर, क्या परिचय है? संतोष कुशवाहा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि। प्रमुख जी, आप ये बताइए कि चुनाव हैं तो सभी पार्टियां जो है मैदान में हैं, तो सलवन विधानसभा जो कि जिसकी सांसद खुद स्मृति ईरानी है, तो अब की बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में किसको सत्ता देने वाली है? भाजपा के विधायक बनेगा यहाँ से। विपक्ष तो बहुत आरोप लगा रहा है। अब विपक्ष का काम है आरोप लगाना। ऐसा कुछ नहीं है,
समाजवादी पार्टी की सरकार में लोग गाड़ियों की पूरी टीम टोली बना करके चलते थे, जितनी गाड़ियाँ होती जितने लोग बैठे रहते सबके पास बड़े बड़े असलहे लेकर के चलते थे, पूरी गुंडई होती थी। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कहीं नहीं देखने को मिला। तो क्या माफिया राज पे अंकुश लगा है? यह हाँ खूब लगा है, तो अंकुश पूरा अंकुश। महंगाई के मुद्दे पर क्या कहना है? महंगाई नहीं, महंगाई तो हर सरकार में जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे आवश्यकताएं बढ़ेंगी चीज़ें उतनी ही बन रही हैं। प्रभु जी ये बताइए कि अगर किसानों के तीन जो काले कानून थे अगर ये अच्छे थे तो वापस क्यों लिया, अच्छे नहीं थे तो लागू क्यों किया? ऐसा था अच्छे कानून थे लेकिन अब किसानों के समझ में नहीं आया, उनको लग रहा कि हमारा नुकसान होगा। आप समझा नहीं पाए ये अच्छे थे ही नहीं? नहीं अब हम नहीं समझा पाए, सही तो ये है कि समझा नहीं पाए ना वो समझ पाए। कानून तो अच्छे थे, उनके लाभ के लिए बनाए गए थे। तो 2022 में सत्ता किसके पास जाएगी? सरकार भारतीय जनता पार्टी बनेगी, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे साथ एक और साथी आइए, जानते हैं इनका क्या परिचय है आपका? मेरा नाम है पीसी भाई मौर्य, अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान मजदूर संघ। तो चुनाव आ गए हैं तो अब की बार सलवन विधानसभा क्या गुड़ खिलाएगी? नहीं गुड़ खिलाएगी हमारी अखिल भारतीय किसान मजदूर संघ बीजेपी सरकार के खिलाफ है, क्योंकि किसानों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। खाद नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहे, बहुत सारी समस्याएं हैं। भाई साहब को ये नहीं मालूम है कि 80% फसल जो है बोई जा चुकी है, ठीक है, और यहाँ पे आलू पिछली बार से ज़्यादा बोया जा चुका है। जानकारी के लिए बता दूँ पिछली बार से ज़्यादा खाद यहाँ पे दी जा चुकी है। देखिए क्योंकि ये सरकार ऐसी है कि लोगों को सहायता इतनी उपलब्ध कराई, जैसे किसान सम्मान निधि के द्वारा लोगों ने अपने जो जीवन का वो था वो काफ़ी डेवलप किया। आप जैसे चाहे आलू हो चाहे प्याज हो, किसानों को उचित दाम मिल रहा है। इस किसानों को उचित दाम मिल रहा है, आपका कहना है? साहब हम लोग किसान ही हैं, हम किसान परिवार से हैं, हम भी 10 बीघे आलू लगाए हैं, मैंने ब्लैक में खा लिया 1300 रुपये में और मैंने खुद डाला हूँ स्वयं। मैंने खुद जिलाधिकारी से बात किया, रावली जिलाधिकारी से, उन्होंने कहा मौर्य जी 10 दिन के अंदर आ जाएगा, लेकिन 20 दिन गुजर गया, 10 दिन हुआ मैंने आलू बोया मजबूर होकर। आपके समाज के तो मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं। सर उनको मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री का कोई महत्व नहीं होता, प्रधान प्रधान होता है, सदस्य का कोई महत्व नहीं होता। सरकार बनने के वोट तक, जब तक वोट नहीं रहती तब तक हमारा महत्व है। योगी बाबा से कौन सी नाराजगी है? योगी बाबा से नहीं नाराजगी, हमें नीतियों से नाराज गया। मैंने 500 चिट्ठी लिखा हूँ मुख्यमंत्री जी को, आज तक जानवरों को व्यवस्था नहीं की गई। मेरे पास भूखले, मैं तो यहाँ तक कि मैं PIL फाइल करने वाला था लेकिन कुछ कारणों के बाद मैं PIL नहीं कर पाया। क्षेत्र में गौशालाएं तो बनाई गई? कुछ नहीं बनाई गई, कितनी बनाई? आज तक ITI मांगा नहीं दिया गया। प्रदेश में कितनी गौशालाएं बनाएंगे, उनका संरक्षक कौन है, उसमें कितनी गाय जमा की गई है, छुट्टे जानवर आज भी परेशान कर रहे हैं लोगों को। 2022 में सरकार कौन बना रहा है? सरकार कोई भी बना, क्योंकि मैं तो अकेला बना नहीं सकता हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के को मतदान नहीं करूंगा, ना मेरा संगठन उसको समर्थन करेगा। अखिल भारतीय किसान मजदूर संघ किस सरकार के खिलाफ है? उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 का आगाज हो चुका है। प्राइम टीवी की टीम इस समय रायबरेली जिले के सलवन विधानसभा की सुरक्षित सीट पर मौजूद है। आपको बता दें सलवन विधानसभा पड़ती जिला तो रायबरेली लगता है, लेकिन यहाँ की सांसद जो है वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है। भारतीय जनता पार्टी के ही यहाँ विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी की ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद हैं। सलवन विधानसभा अब की बार 2022 के चुनाव में क्या गुल खिलाएगी? हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, आइए जानते हैं इनकी क्या राय है। क्या परिचय है आपका? हमारा नाम इसरार हैदर, हम इसी कस्बे के निवासी हैं। चुनाव आ चुके हैं, सभी राजनीतिक दल लोक लुभावने वादों के साथ मैदान में हैं। तो सलवन विधानसभा आपकी बार क्या रंग दिखाएगी? इस हम अमेठी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर रेलवे के नाम पर राहुल गांधी को हरा दिया गया, मगर मौजूदा सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी द्वारा आज तक सलोन को रेलवे लाइन से जोड़ने का कोई भी कदम नहीं उठाया गया, जिससे यहाँ कारोबार प्रभावित होता है, कृषि बाहुल क्षेत्र है, किसानों को सही उपज के दाम नहीं मिल पा रहे हैं और भाजपा अपने मादे से मुकर रही। कहीं ना कहीं भाजपा भी राहुल गांधी के पैटर्न पर चल रही है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में और खासकर रायबरेली और अमेठी में विकास के नाम पर भाजपा आई है और पूरी तरीके से यहाँ विकास शून्य है। हमारे यहाँ अखिलेश यादव कार्यकाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र CSC की स्थापना कराई गई, आज तक तो न वहाँ डॉक्टर की जो है पोस्टिंग कराई गई, न वहाँ पर हमारे लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं जो है मुहैया कराई गई। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि ये लाल टोपी वाले जो है खतरे की घंटी हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा को लग रहा है कि इस बार अखिलेश यादव उनकी नैया पार नहीं होने देंगे, इसीलिए वो जो है छटपटाहट में बौखलाहट में बोल रहे हैं।
उत्तर प्रदेश और सलोन और रायबरेली की जनता इस बार बदलाव के मूड में और परिवर्तन होकर रहेगा। प्रधानमंत्री जी तो लगातार जो है राशन दोगुना दे रहे हैं, उज्ज्वला गैस दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, तो ऐसी क्या नाराजगी होगी बाबा से? कोई ऐसी योजना नहीं जो भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ी हो। सलोन गैस एजेंसी उज्ज्वला योजना में 1000 रुपये लेकर के उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को लाभ देने का काम कर रही है। हमारे यहाँ चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, केरोसिन हो, इतनी महंगाई है कि लोग उससे त्रस्त हैं। अगर उज्ज्वला योजना दे रही तो हमसे 1000 रुपये भी उसके एवज में ले रही है। उत्तर प्रदेश में कौन सरकार बना रहा है 2022 में? उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से अखिलेश जी आएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। सलोन विधानसभा की समाजवादी पार्टी परचम लहराएगी। कहीं ना कहीं महंगाई जो है इनका एक मुद्दा है। हमारे साथ कुछ और साथी आइए, जानते हैं इनकी क्या राय। क्या परिचय है आपका? निहाल अहमद। चुनाव आ गए हैं, कोई स्कूटी बांट रहा है, कोई राम मंदिर की बात कर रहा है, कोई महंगाई की बात कर रहा है, तो 2022 में किसकी सरकार बन रही? योगी बाबा से कोई नाराजगी नहीं, वो साधु संत आदमी है, वो अपना वही काम करते हैं, कोई जनता का काम नहीं किया। सरकार तो कह रही सारे माफिया जेल में हैं। कोई माफिया जेल में नहीं जी, आज जो सब गुंडे घूम रहे हैं, रोज पेपर में आता है, रोज देखिए आप। योगी सरकार से क्या दिक्कत है आपको? हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए ये कि हम छोटे किसान हैं, ना हमको खाद सही टाइम पर मिल रहा है, ना कुछ और महंगा हर चीज़ है, है? चूल्हा दे दिया जो उसके गैस भराने के पैसे नहीं है, कहाँ से आएंगे? चूल्हा दे दिया, गैस भराने के पैसे नहीं, कहीं ना कहीं महंगाई और किसानों की अपनी समस्याएं, आवारा जानवर से लेके खाद तक की। हमारे साथ कुछ और साथी आइए, जानते हैं इनका क्या कहना। क्या परिचय है आपका? हमारा परिचय तो ये है कि मोदी जी अब की हारेंगे। मोदी जी का चुनाव नहीं, योगी जी का चुनाव? योगी जी का, वही मोदी जी जो है वो तो हारेंगे, पक्का है। नहीं, क्यों हारेंगे? ये हारेंगे कि गरीब आदमी को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ ये राम मंदिर है, ये इधर इधर में पड़े रहते हैं। गरीब आदमी को लगा राशन भी तो अब तो दोगुना कर दिया। राशन का क्या मतलब, हर आदमी को थोड़ी राशन है, कोई आदमी को, एक आदमी पूरे परिवार में एक आदमी को मिलता है, उसमें क्या लाभ मिलेगा? अच्छा ये बताइए, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ से है, गड्ढा मुक्त सड़कें हो चाहे और जो भी केंद्रीय योजनाएं हो, आप तो दोनों जगह की सांसद का लाभ ले रहे हैं। कुछ नहीं, सब कहने वाली बात है, ये सब कहने वाली बात चल रही है। तो 2022 में सरकार कौन बना रहा है? अखिलेश जी बनाएंगे। 2022 में अखिलेश जी बनाएंगे। हमारे साथ कुछ साथी और हैं, ये जानते हैं इनकी क्या राय। क्या परिचय है आपका? मोहम्मद इरफान, सभासद, नयागंज सलून। चुनाव आ चुके हैं, सभी दल मैदान में हैं, तो अब की बात सलवन विधानसभा क्या गुल खिलाएगी? सलवन विधानसभा फुल बहुमत से हमारे साथी संतराम पासी जी फुल बहुमत से जीत रहे हैं इस बार समाजवादी पार्टी। योगी बाबा से क्या नाराजगी है? योगी बाबा के राज में लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, हर चीज़ में महंगाई है, यहाँ तक कि सब्जी राशन, पेट्रोल डीजल, खाद में भी लोगों को लाठी खानी पड़ रही है, और लोगों का मतलब खेती भी नष्ट हो रही है, बहुत लोग परेशान हैं। किसान सम्मान निधि भी तो आ रही है, बहुत कम ना के बराबर मिल रहा है, लोगों ने कई बार फार्म अप्लाई किया उसके बावजूद नहीं मिल पा रहा। अच्छा, प्रियंका गांधी तो बराबर कह रहे हैं कि 40% महिलाओं को आरक्षण देंगे और जो है लड़कियों को हम एक एक स्कूटी देंगे, तो ये चुनाव में कहां तक असर डालेगी? इससे कोई असर नहीं होगा, इस बार यूपी में फुल बहुमत से अखिलेश यादव सरकार बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। फुल बहुमत से अखिलेश यादव सरकार बना रहे हैं। हमारे साथ एक ये चाय विक्रेता है, ये जानते हैं इनका क्या। चुनाव आ गए हैं, सभी राजनीतिक दल मैदान में हैं, तो सलवन विधानसभा जो है वो क्या रंग दिखाएगी? पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी जो है ना सरकार बनाएगी, अखिलेश यादव जो है ना वजीर आला बनेंगे, ये एकदम तयशुदा बात है। योगी बाबा से कौन सी नाराजगी हो गई? योगी बाबा गड्ढा मुक्त कर रहे थे, अभी तक गड्ढा मुक्त हुआ कहीं? क्या मिला आवाम को? महंगाई, उज्ज्वला गैस दे रहे हैं किसानों के लिए जो है, उन्होंने सम्मान निधि दिया है, राशन दे रहे हैं। उज्ज्वला गैस दिया है तो सिलेंडर जो है ना भूसा में रखा हुआ है, यही फायदा हुआ है आवाम का। तो क्या महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है? महंगाई तो बहुत बड़ा मुद्दा है, 170 रुपये किलो की चाय की पत्ती जो है ना हम 240 रुपये की किलो के लिए गला रहे हैं, ये महंगाई नहीं है? और चाय हम 5 रुपये की बेच रहे हैं और चाय की पत्ती 240 रुपये किलो की खरीद रहे हैं, तो ये महंगाई नहीं है? 2022 में अब की बार जो है सरकार कौन बना रहा है? वो 2022 में मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, ये सब मिल करके सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत से बनाएंगे। तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।